हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम फिर बात करने वाले हैं फेस लॉक को हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका लॉक है पहले उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन अनलॉक, यानी कि स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए हम फेस लॉक का यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से फेस लॉक से हमारी जो स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर फेस लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर इसको अनलॉक करना है तो कैसे कर सकते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फेस लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर, ये देखिए अनलॉक हो गया फेस लॉक। तो इस तरीके से आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।